के नुलवम परजा भ आया गम सिस्टोला का अमला मोक योना मटो एक्वा थैंक यू पहले 2023 तादिंग विलेज मेगा मोपिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन के अवसर पर मीगो लेंगो बोम्बो में सोसाइटी के हर सदस्य को पर्टिकुलरली एंड गालो जनजाति के हर व्यक्ति को मेरी ओर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ओर से एंड मेरा अपतनी समाज जनजाति के ओर से हिलो अनिपिन को अनिपिन तम आपुक लोग के कुंज डाना सुख समाज के अनाबो निजरी आपा ओमेनिम गदिम नारुएम पर जाब आयागम जिस्तोला का अमला आज तादिम विलेज के इस हिस्टोरिक मोपिन सेलिब्रेशन का अवसर पर हम सब साथ में बैठे स्थानीय विधायक आपका चाहते हैं पॉपुलर लीडर मेरा छोटा भाई जीनी साहब इनका साथ में बैठे मैडम आज इस मोपिन का मंच पे कदीम विलेज में आपका पोमर मिनिस्टर अश जकर भी आके आपका साथ ग्रेस करते हुए मैं देख रहा हूं साथ में भाभी जी भी है आज सेलिब्रेशन से बहुत ताल्लुकात रखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति अशी आपका गालो वेलफेयर गालो सोसाइटी वेलफेयर के चेयरमैन भी आपका साथ में है आपको ब्लेस देने के लिए भाभी जी भी आए हुए हैं हम लोग का साथ में आपको प्रोत्साहित करने आपको इनकरेज करने एक यूथ लीडर अपसु प्रेसिडेंट सहित उनके कुछ दोस्त लोग भी शामिल होते हुए मैं देख रहा हूं मेरा छोटा भाई दोजीताना तारा जी मंच पे बैठे सारा गणमान्य व्यक्तिगण सामने बैठे बुजुर्ग गांबुरा गांबुरियों आस पड़ोस से आए सारा मोपिन का टीम अन्य मगधे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनके मेहनत और लगाम के बदौलत आज हम तादिंग विलेज में एक दूसरा को मुलाकात करने का मौका दिया वो है ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन मिडो लोलेन सेक्रेटरी कार्बन तासो
तथा इनके सारा टीमगण, मैं आप लोग को सराहना करता हूं कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का ऐसा एक रिमोट विलेज में भी आप लोग ने इतना मेगा सिस्टम में आप लोग ने यह मॉपिंग को ऑर्गेनाइज कर पाया। मैं आशा रखता हूं कि आपका स्किल, आपका लगन और आपका मेहनत एंड आपका डिटरमाइनेशन को रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में भी फॉलो करेंगे, आपका जैसा ही काम करेंगे। दोस्तों, मोपिन आप सब जानते हैं एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। अभी अभी मोपिन का मार्टोलॉजी मैंने सुना है। हर एग्रीकल्चर फेस्टिवल का मार्टोलॉजी अपने अपने हिसाब से है, पर कहीं ना कहीं कोने पे एक जगह में पढ़ हम लोग का सबका मिलन हो जाता है। चाहे आदिलु का सुलुंग हो, हमारा अपातानी का दूरी हो, भूरीबुद हो और हमारा निशी बाइलो का नौकुम युलो हो, सारा का सारा एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। एंड 0 पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इज ऑलवेज, हमेशा हम लोग बोलते हैं आवोतानी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आवोतानी का नाम लेते हैं तो डिफरेंसेस तानी का माइथोलॉजी से ही हम लोग का डिफरेंसेस शुरू होता है, जहां से हम लोग ये माइथोलॉजी बोलने में कहीं ना कहीं भूल चूक होके कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आपका यहाँ निबो लुक है, पुजारी है, अनबो है, वो जानकारी लुक है। तानी एक तानी नहीं है, हम जो शुरुआत का तानी बोलते हैं वो वही तानी है। वही तानी का बाद नीमा तानी है, नीमा तानी का बाद नया तानी आता है जिसको कि हम लोग अपना बाप मानते हैं। तानी बेल्ट का सारा बच्चा नया तानी का ही पार्ट है। नया तानी जब यहां शुरू हुआ तो तानी को आप लोग जानते हैं, नया तानी वॉज वन ऑफ दी हॉरिबल बदमाश। धरती में ऐसा एक भी चीज नहीं है जो तानी शादी नहीं किया, करते करते यहां तक कि तपेक जुग को भी शादी किया, जिसका हम लोग का एक माइथोलॉजी है। जंगल में हम लोग जाएंगे, जुग हमारा खून पीता है, लेकिन जुग ऐसा नहीं आते। हम इंसान को जुग मानते हैं कि ये माँ है, दूध पीने आता है। कर्म तानी वाज इज फादर, डियर फादर। तो ये कहानी से लेके तानी का सेवरल कहानी है। तो ये सब अगर नीतुम दोई को हम लोग आलोचना करेंगे तो महीना भर भी कमती होगा, दिन तो अलग बात है। नाउ हमारा बिलीव है, अपातानी का भी बिलीव है कि तानी जब आयो दिजांदुगु, हम अपातानी में बोलता है, कोई हमारा अवतानी का बच्चा लोग बोलता है धोनी में, और धोनी का ही बेटी थी, उनको शादी करके बेटा तानी वॉज वेरी प्रॉस्परस। उनका पास खाने पीने का कोई अभाव नहीं था। जब तानी को दीरी यारी एक लेडी ललचाया, वो एक आज के म्यूजिशियन जैसा ता होगा ऐसा मेरा महसूस करता है,
और अयोध्या दुग से भी सुंदर रूप धारण करके तानी का पास आया। अगर मुझे आप शादी करोगे तो दिल्यान दुगु एक दिन में काम करता है, हम एक घंटा में खत्म करेगा। एक महीना में काम करता है तो एक दिन में हम खत्म करेगा। अगर इनका पास साल भर का कमाई 10 दान पूरा है तो हम 100 दान घर को हम फुलफिल करेगा। तानी भयक में आके दिलियारी को शादी किया है। दिलियारी को शादी करने का बात तानी ने बोला, हम आपका अतवायो को बदुम करेगा मेरे यहाँ आने के लिए। लेकिन दिलियारी ने बोला है, तानी को वार्निंग दिया है, मत बुलाओ। तानी ने बोला मेरा क्या कम है, दोस्त तू दान घर है, उन्हें खा के कभी खत्म नहीं करेगा। लेकिन नहीं मान के बुलाया। ज्ञान जो दिलियारी का जो टीम आया तो कुछ ही मिनट में 10 दान गोदाम खत्म। घर का बगल में जितना आम को देखा था उसको भी चाट लिया, खाने का नहीं रह गया। तानी को बोला, तानी ने उन लोग को बोला, आ तो आयो आपने मेरा पूरा खा दिया, अभी हम क्या खाएगा। तो उसको जंगल का कुछ पत्ता को दिखाया कि तुम यहां से खा के बैठो। तानी दुखी से बैठा हुआ है। उसी समय एक झांक के देखा है कि अयोध्या दुगु जो कि हम उनको आज मोपी नान्य का रूप में भी मान सकते हैं, तो उनको देखा है कि वहां में दान सुखा रहा है। लेकिन तानी को जाने का परमिट नहीं है, तो तानी ने अपना कीपू को भेजा, तुम वहां से कुछ दाना चुरा के लाओ। बोल के कीपू गया, 2 पलती मारा, उसमें नून में काफी दान तो लगा। लेकिन अयोध्या दुगु भी कमती चतुर नहीं था, और कुत्ता को पकड़ के, तुम तानी का कुत्ता बहुत बदमाश है, यहाँ किस लिए आया बोल के पूरा सफा करके कुत्ता को वापस भेजा। लकीली 4-5 पीस और कान का ये गद्दा में फंसा हुआ था, उसको अपना आंगन में पाल के हम लोग खेती चालू किया। इसलिए कुत्ता का कहानी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बात ये रही तानी का पार्ट। नाउ आज हम आगोतानी के जितना बच्चा लोग हैं, जब हम इस आज का धरती में बैठा तो उस समय हम लोग को धान का खेती तो करना था। अब खेती कैसा करें उनको पता नहीं, लेकिन कहानी का रूपी से इनको खेती करने के लिए आदेश आया, बोला तुम खेती करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जेनरेशन कैसा पालोगे। तब जाकर के वो जंगल काट के खेती करने का उन लोग ने विचार में आया। उसी समय खेती तो काट लिया, जंगल तो काट लिया, लेकिन वो जंगल काटा हुआ को कैसा फेंकेगा, क्या करेगा, उनको समझ में नहीं आया। तब इनका दिमाग में आया, किसी ने सलाह दिया कि अग्नि देव को, आग को, अग्नि देवता को तुम पूजा करो, वो मदद करेगा। तब अग्नि आया, आग, आग तो जला दिया। आग जलने के बाद यहां जलाता है तो इतना ही जलता है, यहां जलाता है तो उतना ही जलता है, तो सारा पहाड़ को कैसे जलाएगा। देन इनको सलाह दिया अगेन, अगर एक ही आग को से आप सारा पहाड़ जलाना है तो वायुदेव को मदद लेना पड़ेगा। देन वायुदेव को मदद लिया, आग जब जलाया तो हवा ने फूका, हमारा जल के खेती तैयार है। परंतु उस ड्राई जगह में हम अगर खेती का सीड भी डालता है
तो उतना मुश्किल है, तो उसको चाहिए इरिगेशन, पानी चाहिए। पानी कैसा लाएगा? कोई इंजीनियरिंग मेथड तो था ही नहीं। तब जाके इन्होंने धरती माता से औजार निकल के इरिगेशन काटने के लिए उन्होंने पूजा किया धरती को। उसके बाद जल देवता को भी पूजा किया ना। मोटा मोटी हम जब इस तरीके का मोपिन जैसा एग्रीकल्चर फेस्टिवल करते हैं, हमारा म्योको जैसा यू नो वी को हमने प्रोस्पेरिटी के लिए पदुम करता है, तो हम पूजा किसको करना चाहिए? आज मैंने आप लोग का साथ बैठ के सुना तो नहीं है, जितना वी अध्ययन मैंने योगी देखा है और जितना हुआ मैं चेंटिंग करने वाला है, मुझे पता नहीं है किस रूप में आप लोग बनाया है, लेकिन मेरा पूरा अंदाजा है एक युग होगा पहाड़ के लिए, एक युग होगा नदी के लिए, एक युग होगा धरती के लिए और एक युग होगा आकाश के लिए। ये मेरा अंदाजा है। कारण हम अगर पूजा करना है तो इस धरती को ही पूजा करना है, हम अगर पूजा करना है इन पहाड़ को ही पूजा करना है, हम अगर पूजा करना है इन नदियों को ही पूजा करना है, जहां से हमारा जीवन। इसीलिए मैं आपका पूजा पद्धति को अनजान रहते हुए भी मेरा यह अंदाजा लगाया है आपका पूजा का अंतिम स्थिति इसी में है। पता नहीं अगर गलत है तो उसको मिला लेना, मेरा अंदाजा है कि पूजा इसी में है और पूर्व पुरुषों से हम यह धरती को पहाड़ को जब से हम लोग ने दोजे और तनी, दोजे मीन्स याकुम याकुम उरुम, ये दोनों का इस धरती का प्रॉपर्टी को बागवाती किया है, तब से हम लोग का पूजा पद्धति उसी में ही जाता है। आपको मालूम है किसी जमाना में तानी वाज वेरी पावरफुल, दोजे से भी झगड़ा करता था, हर किसी देव देवताओं से भी झगड़ा करता था। उसी समय में दोजे और तानी का झगड़ा खत्म करने के लिए हम लोग को प्रकृति ने अपना अपना जमीन जायदाद को भाग करके रखा है। तानी तुम इस बाग को लेगा, दोजी तुम इस बाग को लेगा, और किसी अनजाने में हम दोजे का प्रॉपर्टी को छू देता है तो आकाश गूंज उठता है, तो अकाल पड़ता है, तूफान होता है, आंधी होता है, प्लाट होता है, तो हम लोग उसको यपमुई को पदुम करता है, तो उसका भी इसमें एक पार्ट है। सारा चीजों को मिला जुला करके हम लोग पूजा पद्धति करते हैं और सारा प्रकृति को शांति रखने के लिए ही हम लोग पूजा पद्धति करते हैं। ये जो है पिंकुआन में पिंते अन्य जो हम लोग देखा नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करता है कि हमारा देवी है जो हमको हमेशा देखभाल करता है। इसीलिए जब भी मोपिन होता है अनपिंकुआन पिंते को आप लोग इवेंट पूनों का जरिया हो, चेंटिंग का जरिया हो, या आपका डिवोशन और बिलीफ का जरिया हो, आप लोग उनको ही पूछते हैं। तो ये पूछने में क्या होता है, आज हम लोग ने मोपिंग किया है, कल तो आपका तजिंग विलेज में दाना का तो बारिश नहीं होगा, लेकिन पूजा करने के बाद हमारा हर इंसान का साथ एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है। और पॉजिटिव एनर्जी ये जनरेट होता है कि हमने इस साल का मोपिन बहुत बढ़िया से परफॉर्म किया एंड रोसिंग कोडुंग करके देखा है, उसका भी बहुत अच्छा निकला है। हमारा इस बार तो बम्पर हार्वेस्ट होना चाहिए, दिल में वो रख लेता है, इस साल हमको कोई बीमार हो जाए तो होगा ही नहीं, हमारा पूजा बहुत सही हुआ। ये जो थॉट, ये जो सोच माइंड में जब घुसता है
तो ये अपना अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेंट रूप में हमारा उभर के आता है और जो है आपको हर चीज करने में मदद करता है। इसी का ही मतलब के लिए हम लोग पूजा करता है और इसी का कारण ही पूजा करता है, दिल में ये शांति हो जाता है। जैसा कि अभी एक शिकारी, आज हम शिकार करने जा रहे हैं, जाने से पहले घर में एक मुर्गी काट के पूजा किया है, देखा है कि बहुत अच्छा है। तो शिकार अपना आंगन से उतरते ही दिल में तान लेता है कि आज तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग जाके सचमुच में उसी दिन को शिकार को एक हॉर्न मिलता है या हॉर्न मिलता है और लेके आता है। नाउ दिस थिंग्स आर कॉम्पोजिशंस ऑफ माइंड एक्टिविटी विच नेचर एंड प्रकृति का ऊपर से वाइब्रेशन से ही हम लोग जिंदा है। आज मैं आपका विलेज में आके आपका पूजा पद्धति को देख के, आपका मोपिन ग्रुप का इंटरसेशन को देख के दिल में अत्यंत संतुष्ट हुआ कि हमारा आबोतानी में भी इतना लगन से पूजा करने वाला यहाँ बैठा हुआ है। वैसा ये कॉम्बो तदीन देन आपका मोमदीर भय दोजे सागो, ये मेरा कोई नया चीज नहीं, सारा एरिया में घूम चुका हूँ। एंड मैं देखता हूँ कि आपका इस बेल्ट का आदमी प्रकृति का साथ रह के अपना जिंदगी गुजर बसर करने का जो दिमाग में पड़ा हुआ है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और मैं इतना सालों का बात भी देख रहा है आपका सिंसियरिटी भी जारी है। मैं चाहता हूँ इस आइडियोलॉजी को आप लोग को भी खोने मत दे, इसको जारी रखना है। यही हमारा अवतानी क्लांत का आदमी होने का यही एक ही प्रूफ है, दुनिया को हम दिखा सकता है कि हम लोग तानी क्लांत का आदमी, हम लोग इस दिन से जीते। आपका घर बनाने का स्टाइल, होलूर आदम करने का स्टाइल एंड इस रिको करने का स्टाइल, मोदी रिको करने का स्टाइल, देन दोलू में केबांग करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म का स्टाइल, ये हमारा पहचान का चिन्ह है, हमको पहचानने का चिन्ह है। और वो हमारा बहादुरी भी है और वो हमारा हिम्मत भी है, जिसका बदौलत हम गांव में रह के एक सिक्योर फील होता है। कहीं पर बीमार आजार का ये होने से भी आस पड़ोस का देव देवताओं को चैंटिंग करके चार दिन पांच दिन बंदो करके प्यूरिफिकेशन करने का बात हम सोचते हैं कि हमारा गांव में कोई बीमार नहीं आएगा। ये एक बेल बोल बूटी का चिन्ह है, इसको हम लोग को भी मिस नहीं करना है। आज मैं आपका यहाँ एक चाहते फेस्टिवल मेहमान का हैसियत सिर्फ नहीं है, बल्कि मैं एक एग्रीकल्चर एलाइड डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होने का नाते मैं कुछ शब्द मॉडर्न जिंदगी का ऊपर में भी मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग अगर ध्यान से सुन पाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो आपका असम रायपुर कैंप को क्रॉस करके वाटर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान से लेके आप यहाँ से लेके पूरी तक का ज्यूरिडिक्शन, ये मोड जो है खेती के लिए बहुत अच्छा जमीन है। अगर खेती के लिए बहुत अच्छा जमीन है और इसी से खा के आया, अच्छा भी है, लेकिन आज का डेट में किसी जमाना का तरह एक रुमतुम इस पहाड़ को काट के दो साल करने के बाद चोर के दूसरा पहाड़ काटेगा, दो साल के बाद तीसरा पहाड़ काटेगा, तो ऐसा सिस्टम को अगर हम लोग जाएगा आज का डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम अपना पेट पाल पाएगा। अंजाब मुकायम अन्ना सुलोके नुलू
दो महीना भी सर्वाइव नहीं होगा अगर सीपीओ का चावल सपोर्ट नहीं लेगा तो। जितना पार करने से भी आपको जुड़ेगा नहीं। उस जमाना में आपका रूम तुम में ज्यादा से ज्यादा 150-200 आदमी बैठता था, आज एक रूम तुम में 2000-3000 क्रॉस हो गया। नारू है रुकी बोलो जगह कहाँ बच गया। तीन साल छोड़ के कटनी से यहाँ से लेके लिखावली तक अगर हम हिसाब जी किया जाए तो वाइस सियांग डिस्ट्रिक्ट का अगर इस बैंक का खेती काटेगा तो 5 साल भी लास्टिंग नहीं होगा। तो अब क्या करना चाहिए, खाना तो है, रोजगार तो चाहिए, तो इसीलिए खेती जरूर काटो, नोदरिक भी काटो, लेकिन उसको कंजर्व करते हुए हम लोग करना पड़ेगा, रोटेशन करते हुए करना पड़ेगा। जब नोदरिक के लिए इस बार अगर एक पहाड़ को सफा करके रिक बनाता है तो ये कभी नहीं भूलना है कि टॉप ऑफ द हिल सबसे ऊपर वाला में आप 3 मीटर विड्थ, 1.5 मीटर गहराई, जितना लंबा हो सकता है कौन बना के सब मिल के कम्युनिटी बेसिस में उसको कर लो, नीचे में खेती कर लेना, बरसात का समय में उसमें पानी भरेगा, वो पानी जमीन के नीचे जाके आपका जितना फसल उगाएगा उसका रूट में पानी देते रहेगा और आपका खेती 3 साल का जगह आप 10 साल भी बना सकता है। ये एक दूसरी चीज है, ये बेल्ट जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट बेल्ट फॉर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहने में बहुत आसान है, अभी अभी हम लोग बातें कर रहे थे, करने में तकलीफ भी है। हम जानते हैं हमारा आना वो लोग 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ अगर पैसा नहीं है तो हॉर्टिकल्चर बागान करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा मत करो कि रुंतुम में जैसा अभी तादिन विलेज का जितना भी रिक किया है हम लोग हॉर्टिकल्चर बागान बनाएगा। सब लोग डिटरमाइन कर लो अपना अपना हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से, कोई अगर 1 एकड़ कर सकता है 1 एकड़ करो, कोई 10 एकड़ कर सकता है 10 एकड़ करो, कोई 2 हेक्टर कर सकता है तो 2 हेक्टर करो, लेकिन अपना मर्जी से मत करो। सब मिलके बोलो कौन सा पौधा लगाएगा। मान लो संतरा लगाने तो पूरा एरिया में संतरा लगा, पर्सिमम लगाना है तो पूरे एरिया में पर्सिमम लगा। ये तो मॉडर्न वे ऑफ ट्रेन है। जब ऐसा लगाएगा कि तादिन बस्ती में 200-300 हेक्टर का पर्सिमम लगाया बोलता है, बोल के अगर कोई सुनेगा आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सिलापोतर को चोरो, लखीमपुर डिब्रूगढ़ को चोरो, सीधा दिल्ली बॉम्बे से आएगा यहाँ में, आपको बार्गेन करने लगेगा आपका पल को कितना में बेचेगा। सिर्फ इतना है कि आपका हेक्टर ज्यादा होना इन लोग का 100 ट्रक 200 ट्रक होना चाहिए, तब जा करके मार्केटिंग आएगा। नो खेती लगा दिया, पल उगा दिया, वो आपका काम खत्म है। यहाँ घर में आके आप लोग को पैसा देगा, उस हिसाब से आप लोग फॉर्मूला कराओ। ये एक चीज। दूसरी चीज है, आज हम लोग निपा का साथ में घूमता है, जूता चप्पल पहनता है, कोट टाई लगाता है, जमीन चुने से हम लोग को शर्म लगता है, ये आइडियोलॉजी तो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो छोड़ना पड़ेगा। एंड कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपका पास बहुत जमीन है, वेरी सिंपल वे में खेती करना चाहता है, शॉर्टकट वे ऑफ खेती, आप खेती जलाया करता उसका बाद अगर चाहता है तो तानी एंड मकाई लगाओ, ओनली 2 आइटम तानी एंड मकाई लगाओ, जिस खेती से आप 10 टुकड़ा चावल निकलते हैं, तो अगर तानी लगाएगा तो 20 टुकड़ा का दाम आपको मिलेगा, मकाई लगाएगा
25 टुकड़ा का आपको दाम मिलेगा। दाना को हम लोग छोड़ देते हैं कि असम में उगने दो, हम लोग खरीद के खाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ दाम और मकई और सोयाबीन जिसका बहुत डिमांड है वो खेती करेगा। और इसमें किसी भी KBIC KBK एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को आप कंसल्ट करने का जरूरत नहीं है। ये जो जितना हम गिना है फल, ये आबोतानी से होते आया है, हम लोग सब जानता है कैसा उगाना है। ऐसा चीजों को हम लोग इनोवेटिव करते हुए यह हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये आज इस सुंदर मौका को लाभ उठाते हुए एज ए मिनिस्टर इंचार्ज हिसाब से मैं आप लोग को सलाह दे रहा हूँ। और इसी का हिसाब से जो आप इतना लार्ज स्केल में अगर मकई लगाना चाहता है, तामी लगाना चाहता है, या सोयाबीन लगाना चाहता है, या फल लगाना चाहता है, तो इस एरिया का एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स को कॉन्टेक्ट करके प्रोजेक्शन बनाओ। सरकार का ओर से जो भी प्रावधान है आप लोग को देने के लिए हम लोग रेडी रहेगा। और उसका लाइसेंसिंग आपका MLA साहब हमेशा हम लोग का टच में रहता है, वो कर लेगा। वैसा कहने से भाषण के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का पाबंदी होने की वजह से पहले भी आपको कहा कि अगर समय होता तो ये नीतुम दोई का अगुम को हम लोग थोड़ा लंबा चौड़ा में बात करने से और भी मजा आना था, पर समय परमिट नहीं है। हमको आज रात का अंदर में जैसे भी जिलों में पहुंचना है, इसीलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आप लोग को बता रहा हूँ। रही इसमें डेवलपमेंट, एक जमाना में आप लोग अभी गांव बुरा लोग है और लीडर्स लोग है, रिटायर ऑफिसर्स लोग बैठे हुए, सीनियर सिटीजन बैठे, देखा होगा कि आज से 10 साल 9 साल आगे हम लोग ने डेवलपमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट को देखा कि उस समय डेवलपमेंट हमेशा धूप और छांव का जैसा था, किसी सेक्टर को छांव का जैसा नेगलेक्ट करके रखेगा, किसी सेक्टर को धूप का जैसा डेवलपमेंट करेगा। लेकिन आज का डेट, जब से नरेंद्र मोदी जी हम लोग का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना एंड पेमा खांडू जी जब से हम लोग का चीफ मिनिस्टर बना, हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट को किस हिसाब से पूर्ण रूप से डेवलप करेगा वो प्लान कर रहे हैं। हमारा यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, धूप चाव भी नहीं है, हम हर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हर एक इंसान हमारा स्टेट का ही बच्चा है, हमारा स्टेट का ही लोग है, इनको सुविधाएं देना हमारा प्राइम ड्यूटी है। इस ढंग का हम लोग विचार करते हुए आज प्लानिंग चल रहा है। और इसको आप लोग भी देख रहा होगा, कम्युनिकेशन सेक्टर इतना अच्छा हो गया, वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट हो गया, लाइट सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो गया, मेडिकल सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो गया। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, आलोम का भी देखा है, कई जगहों में आप लोग ने इम्प्रूवमेंट करके लाया, सुबह भी आते हुए भी देखा, ये रास्ता बहुत पुराना था लेकिन अभी चालू किया है, कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज यहाँ भी आ रहा है। तो ऐसा जो डेवलप करने वाला को आप लोग याद रखना पड़ेगा, समाज में जो समाज काम करने के लिए जो एक्टिव है हमेशा उसको प्रोत्साहित करके रखना चाहिए, उनको आशीर्वाद दे के रखना चाहिए और उसी का ही होना चाहिए। हम एक आज सुबह भी बोला, हमारा पूर्व मिनिस्टर दो यादव जी 77-78 में जब उसका इलेक्शन कैंपेन में एज एन ऑफिसर्स में जाया करता था ये एरिया में, आपका न्यूयॉर्क में, देन आपका उस साइड में, तो मैं उनका भाषण कई बार सुना है। दो या दो साहब आपका आदि भाषण में इतना सुंदर बोलते हैं, हमको तो बहुत इंप्रेस हुआ। तो उनका एक कहना था कि अभी भी मैं अप्लाई भी करता हूँ और याद भी रखता हूँ,
उनका कहना भी ये था जो आपका नारा पुदुम करता है, इगिन पुदुम करता है, अगर इगिन खत्म नहीं हुआ, नारा खत्म नहीं हुआ, तो उस आदमी को खत्म करने तक का चांस देना चाहिए। अगर दूसरा हाथ लगाएगा तो उसका सेकेंड हाथ वाला और पास हाथ वाला में डिफरेंसेस आता है। मुझे अभी भी दिल में स्ट्राइक हो रहा है, जो चीजें शुरू की है उसको खत्म करने दो, लेकिन साथ देना है। उस दंग का काम हम लोग समाज में विचार करते हुए जाना चाहिए। ऐसा चलेगा तो आने वाला 5 साल में मैं देख रहा हूँ कि आपका कोम्बो तादिन भय ये रास्ता भी पूरा पक्का हो जाएगा। एंड ये रास्ता पूरा पक्का हो गया मीन्स कोम्बो तादिन भय यहाँ तक का पूरी तक का मुझे दिखाई देगा कि अगल बगल में सारा बागान ही बागान हो गया, और उसका बाद में हमको दिखाई देगा कि लिखावाली गेट में पंजाब तरफ का लाइन लगा हुआ है, वो कहाँ जा रहे हैं पूछेगा तो अलोंग से वेजिटेबल फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट लेने जा रहा है। ये सपना हम लोग रखना चाहिए। इन चंद शब्दों का सर फिर सा दोबारा मैं तादिन विलेज इन एंड अराउंड तादिन विलेज के लिए स्पेशली अनपिंग को अनपिंड को दोबारा मैं गुमदुम करता है कि नुलवम फिर जा आया गम जिस तो लगा अमला मोक योना मटो एक्वा। थैंक यू।